हेलो बच्चों, मैं क्लस्टर नंबर 10 से गीता रानी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.4 कराऊंगी। 11.4 में बेटा ठोस आकारों के, सॉलिड फिगर्स के हमने वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे क्यूब का वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला है ए क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। और सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बेटा वॉल्यूम होता क्या है कि किस कोई हमारे पास सॉलिड है, इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इसका मतलब है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्वांटिटी का मेजरमेंट जो है वो उसका वॉल्यूम है। अगर वो क्यूब कितने उससे कितनी उसमें मतलब बनाने में उसको कितना वो लगा है वो देखना हो तो हम उसका एरिया निकालते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम हमने इसमें निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमारे से पूछा है कि क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है जिसकी मेजरमेंट दी हुई है एल 60, बी 54 और एच 30। और दूसरा हमारे को क्यूब दिया हुआ है, इसकी एक साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि ये वाले क्यूब्स जो है अगर इस क्यूबॉइड में डालें तो कितने क्यूब्स इस क्यूबॉइड में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके लिए देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास 60 है, बी हमारे पास 54 है और एच है 30। तो ये हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। उसके बाद हमने निकालना है क्यूब का वॉल्यूम, उसकी साइड है 6 और वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये हमारा वॉल्यूम क्यूब का आ गया। उसके बाद हमने इसकी संख्या निकालने के लिए बेटा सबसे पहले 6 क्यूब का वॉल्यूम लिखना है क्यूबॉइड का, और उसके बाद उसको डिवाइड करना है क्यूब के वॉल्यूम से। तो जब हम इसका वॉल्यूम लिख के हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो काटने पे 6 से ये 10 कट गया, दूसरे 6 से हमारा ये 9 पे 54 कट गया और तीसरे 6 से 30 जो है 5 पे कट गया। और इस तरह से हमारा आंसर आया 450 क्यूब्स। बेटा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास एक बड़ी डिजिट आ जाएगी, और उस बड़ी डिजिट को जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि 216 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हमने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, सीधे इनको लिख के और फिर कट किया है। तो इस प्रकार से हमारे पास 450 क्यूब्स आ गए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।